हेलो गाइस, दिवंगत भारतीय बिजनेस टाइकोन धीरू भाई अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है, जिनकी विरासत को उनके बेटों ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने आगे बढ़ाया। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ के छोटे से गांव में एक स्कूल शिक्षक के यहाँ हुआ था। वह इस कहावत में विश्वास करते थे कि यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। यह लाइन उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। धीरू भाई अंबानी ने हमें विश्वास दिलाया कि कोई भी सपना ऐसा नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत महज 15,000 रुपये से की थी और इसे कई अरब की इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। हम सभी को उनके सफल बिजनेस के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग उनकी पोती ईशा अंबानी के साथ उनके संबंधों के बारे में नहीं जानते हैं। मुकेश और नीता अंबानी अपने जुड़वा बच्चों आकाश और ईशा के आगमन के साथ पेरेंटहुड को स्वीकार की। धीरू भाई अंबानी और कोकिला बेन अंबानी दादा दादी बनने से नई भूमिका निभाने के लिए बहुत खुश थे। साल 2018 में ईशा की शादी से पहले के उत्सव में उनकी दादी ने उनके बचपन का एक किस्सा साझा किया था। उनकी दादी ने गुजराती में बताया था कि धीरू भाई अंबानी अपनी पोती ईशा का चेहरा देखे बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करते थे। वो कोई भी काम करने जाते थे तो अपनी पोती ईशा का चेहरा देख लेते थे। वह अपनी पोती को बहुत प्यार करते थे। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह बहुत कम ही समय अपने पोते पोतियों के साथ रहे, लेकिन उनकी यादों को आज भी उनकी फैमिली संजो कर रखी है। ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे को सपोर्ट कीजिएगा।